हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करते हैं आपका। फ्रेंड, मेरे गार्डन को दिखा रही हूँ कि मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था तो मेरे पौधों पे कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और देखो, सामने पे तो फिर से कलियाँ आ गई हैं और मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी तो और ये नई नई ग्रोथ शुरू हो गई इस पर। ये परमानेंट है और ये कटिंग से आसानी से लग जाता है ये गुड़हल का। मेरा यही था कि जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है अपने पौधों में वो कितना अच्छा है। घर का ही मैंने डाला था केमिकल से, तो अच्छा पर रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है। केमिकल से अच्छा होता है ऑर्गेनिक हमारे पौधों के लिए। केमिकल से जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, ऑर्गेनिक में हमें थोड़ा देर से मिलता है पर अच्छा रहता है। और मेरे कनेर पे भी बहुत फूल आ रहे हैं। इस कनेर को मैंने ऐसे ही बीजों से ग्रो किया था जो इसकी ये फली है। अब की जब इसकी मैंने बाकी शीट इसकी सारी हटा दी है, एक ये रहने दी है और ये अभी ये तो अभी आई है, इसको भी मैं हटा ही दूँगी। तो मैं ज़्यादा इस पर शीट नहीं बनने दूँगी, नहीं तो फिर मेरे फूल आने कम हो जाएंगे। और ये कनेर है, इस कनेर ये पीला कनेर है और ये पिंक कलर का। और ये वाला जो कंटेनर है जिसमें ये सदाबहार है, इसको मैंने वैश मटेरियल में जो मेरे कूलर का नीचे का जो होता है कूलर का वो है ये, तो उसमें इसमें कितना अच्छा चल रहा है ये। और इसमें देखो आप सदाबहार भी कितना अच्छा है इसमें। और इसमें मैंने कोई खाद नहीं दिया था जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। तो हमारे को ऑर्गेनिक डालें तो हफ्ते भर में एक बारी डाल सकते हैं। तो ये वहाँ से जो मेरे ग्रीन नेट के नीचे थे ये पौधे, तो ये यहाँ पे हटा के रख दिए हैं धूप में, क्योंकि इस तरफ इनको धूप नहीं मिलती थी। इसका कलर थोड़ा चेंज है, इसका डार्क कलर का हो गया ये। इसके और जो पौधे हैं उसमें पिंक कलर का आ रहा है, इसमें कलियां आने लगी हैं। ये पूरा गार्डन मेरा फ्री का ही है, बस थोड़ी मेरी मेहनत है। इसी तरह से अब मैंने ये सभी में दिया था, जो फूल वाले पौधे हैं उसमें भी और जो मेरे परमानेंट हैं उनमें भी, सभी में मैंने वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, शायद मुझे लगता है वो एक वीडियो में भी है जिसमें मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के रखा हुआ था। और ये मेरा बॉन्साई जेट का, तो इसको मेरे को नीचे से हटा दूँगी सारा। हमारे को कोई भी जेट का बॉन्साई बनाते हैं तो उसको हटा देना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो वहाँ से ग्रोथ शुरू करता है तो वो सही से बन नहीं पाता है। और ये मैंने छोटे छोटे पोटों में लगा रखे हैं। इसमें मैंने पिछले साल लगाई थी ये गुलाब की कटिंग, दो नीचे लगाई थी तो उसके ऊपर चिड़िया आके बैठती थी, उनकी नई पत्तों को खा जाती थी ऐसों को, और वो दोनों ही सूख गई। ये मैंने इसमें लगाई थी गुलाब की कटिंग, तो ये इसमें तो है, अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि बहुत छोटी है। मैंने जो कटिंग लगाई थी क्रोटोन की और एक फाइकस की, मुझे तो लगता है सिर्फ दो
तीन चार कटिंग ही चली है, बाकी सारी ही अभी मैं कुछ दिखाऊंगी नहीं हिला के इसको कुछ भी, ऐसे ही रहने दूंगी इसे अभी। इरियो भी बहुत अच्छा प्लांट है, और ये मैं टोप्यारी बना रही हूँ, इसको एक महीना हो गया होगा। इसके अंदर मैंने बोतल लगा रखी है, और ये मैं मोर की शेप दे रही हूँ इसे, अभी देखती हूँ बन पाती है मुझसे नहीं बन पाती। और ये इसके पीछे से पूंछ है, जो पंख होते हैं, तो इसको मैं इस तरह से शेप में ढालना चाहती हूँ जैसे मोर जैसे। और ये मैंने ये मॉइस्चरा के जो मैंने कटिंग से ही लगाए हैं, और ये तो वेस्ट मटेरियल में ही लगा रखा है पॉली बैग में। और ये है अपराजिता, ये इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है, मैंने इसको इसलिए छाया में रखा हुआ है कि कभी ये ख़राब ना हो जाए। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, इसको फ्रेंड नीचे से ऊपर लेके आ गए क्योंकि वहाँ पे ये बहुत जगह घेर रहा था, क्योंकि इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसको हम छत पे लेके आ गए ग्रीन नेट के नीचे। और मेरे पास इस जगह पे तीन हो गए, एक ये रहा, एक ये और एक ये। और ये डेविल बैकबोन की मैंने कटिंग लगाई थी जब ये पौधे मैंने रिपोर्ट किए थे तभी, ये भी सही चल रही है, इसकी नई पत्तियाँ ये वाली आई हैं, और इसमें भी हाँ से ये ग्रोथ शुरू हो गई है। मेरे पास ये वाली वैरायटी नहीं थी, मेरे पास सिंपल वाली थी, इसकी पत्तियों में थोड़ा वाइट कलर सा है, और जो मेरे पास था वो सिंपल है ग्रीन कलर में। अब मेरे पास दो हो गई हैं, इसमें भी मेरे सारे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक कटिंग मैंने ये भी लगाई थी अपराजिता की, और ये कटिंग भी मेरी सही हो गई है, देखती हूँ। फ्रेंड मुझे पौधों को उखाड़ के दिखाना मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि इस पौधे को मैं ख़राब कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं उखाड़ के इनको। ये थोड़ी सी ऐसी लग रही है, बाकी तो सारी अच्छी है। सर्दियों के लिए बहुत अच्छे मेरे पौधे तैयार हो जाएंगे गुदावदी के। ये ड्रेसिना फ्रेंड मैंने रिपोर्ट कर दिया है, पहले ये पॉली बैग में था, और अब मैंने ये रेड वाले, अब मेरे पास एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, एक नीचे रखा है, और भी मैंने इसको इसकी जो मदर प्लांट था उसमें से मैंने छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट निकाल के लगा दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये है शिंगोनियम। फ्रेंड दिल्ली की तरह बहुत गर्मी है, बहुत देखो अभी 10 बजे का टाइम है, खड़ा भी नहीं होया जा रहा, और ये सब मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। इतनी तेज़ धूप है कि अगर इस धूप में ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इतनी तेज़ धूप है। और मैं तो ग्रीन नेट के नीचे हूँ, और ये भी बहुत अच्छा है, और ये धूप से ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर धूप आ रही थी इस साइड से, तो मैंने इसको हटा दिया। एक पौधा इसका और है, मैं उसको भी लेके आती हूँ। फ्रेंड इस एग्लोनिमा को छाया बहुत पसंद है, ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए, मुश्किल से सुबह के टाइम की इसको धूप मिल जाती है, तो उसी में ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको धूप से हटा के यहाँ रख लिया है, क्योंकि मेरी छत पे कहीं से ऐसी कोई छाया वाली चीज़ नहीं है कि छाया रहेगी, इसको पौधों को इधर उधर करना ही पड़ता है। एक मैंने एक ग्रीन नेट लगा रखा है, बस मुझे इसी से कुछ राहत मिलती है मेरे पौधों को।
इस तरह से अपने पौधों के लिए। नहीं तो इन दिनों में इतनी धूप नहीं होती थी जितना कि इस साल तो बहुत तेज़ धूप है। और ये है ये हर सिंगार की कटिंग है फ्रेंड, मैंने रिपोर्ट कर दिए थे। इसको लगे हुए 5-6 महीने हो गए थे। अब ये बहुत छोटा सा है और मैंने इसको पिंच कर दिया था यहाँ से तो ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। ये फ्रेंड मेरे पास ये था डेविल बैकबोन का, सॉरी ये डेविल बैकबोन ही है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। हाँ डेविल बैकबोन ही है। और अपने पौधों पे से कोई भी ऐसे फूल वगैरह मुरझाए हुए होते हैं तो उसको हटा देना चाहिए। मैंने इन सभी में वही लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये स्नेक प्लांट में कोई नई पत्ती नहीं आ रही है तो इसको ख़राब भी नहीं हुई है, एक पत्ती शायद ख़राब हुई थी, बाकी तो सारी ठीक है। मैंने इस पौधे को भी ये स्वीट पोटैटो वाइन ये मदर प्लांट है हर सिंगार का जो मैंने इसी से कटिंग लगाई है, यहाँ से ले लेके कटिंग लगाती रही मैं, यहाँ से ऐसे और एक ही हाथ से भी लगाई मैंने। तो मैंने 4-5 कटिंग लगाई है, एक मेरी अच्छी चल रही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो मैंने रिपोर्ट कर दी है। और ये मेरा अपराजिता सबसे अच्छा पौधा मुझे इसलिए लगता है कि जैसे ही ये एक महीने भी नहीं होता है फूल देना भी शुरू कर देता है, सबसे अच्छा पौधा है ये। नहीं तो कुछ पौधों के लिए तो हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, पहले उसको लगाओ फिर इंतज़ार करो फूलों के लिए, और ये इतना अच्छा है कि बस लगाओ और 1-1.5 महीना भी नहीं लगता है और ये फूलों से पूरा भर जाता है। इस पर भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं। कोई ना कोई पौधा हमारा रह ही जाता है पानी के लिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पोटों में लगे हुए होते हैं तो किसी न किसी उस पर पता नहीं चलता है हमें कि हमने कोई हमारा पौधा रह गया है। मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मैंने दिखाई दिया कि कितने अच्छे मेरे पौधे चल रहे हैं। ये फ्रेंड मेरा बर का पेड़ है जो एक दिन ये पानी की वजह से रह गया था, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी 15-20 दिन पहले की बात है, तो इसके सारे पत्ते इसके सारे गिर गए। अब फिर से इसके ऊपर पत्ते आने शुरू हो रहे हैं। मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी किसी दूसरे गमले में, इसका गमला भी बहुत छोटा सा है, एक छोटा सा टिफिन सा है जैसे, तो इस पर पत्ते आने शुरू हो रहे हैं।